बच्चों वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग क्लास टेंथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और यहाँ से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम मेटल के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल। ठीक है, मेटल क्या होती है, तो बेसिकली अगर हम मेटल की बात करते हैं तो द एलिमेंट विच कैन रीडली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। देखो, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और अपने ऊपर क्या फॉर्म कर लेते हैं, कैटायन। ठीक है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करेगा उतने उसके ऊपर कैटायन फॉर्म हो जाते हैं। जैसे मेटल हमारी, अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल हमारी जैसे एल्कलाई ग्रुप फर्स्ट ए में मेटल्स रखी हुई हैं। ठीक है, ग्रुप सेकेंड ए में हमारी एल्कलाई अर्थ मेटल रखी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे सोडियम क्या है, हमारी एक मेटल है। ठीक है, तो अब सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये अपने ऊपर क्या फॉर्म करेगा, ये यहाँ पर फॉर्म करेगा कैटायन। ठीक है, वहीं हम पोटेशियम की बात कर लेते हैं, तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा और ये अपने ऊपर क्या फॉर्म करेगा, कैटायन फॉर्म करेगा। Mg की बात करते हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपने ऊपर क्या फॉर्म करेगा, कैटायन। वहीं हम एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, तो एल्युमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैटायन फॉर्म। तो बेसिकली हमारे मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं अपने पास से। ठीक है, और अपने ऊपर कैटायन फॉर्म करते हैं, वो हमारे मेटल्स होते हैं। उसके बाद में अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर मैलिएबल। तो देखो, मेटल्स क्या होते हैं, हमारे मैलिएबल होते हैं, मतलब अगर मेटल को हम हथौड़ा लेके, जैसे हम लोहा ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, अगर हम हथौड़ा लेकर पीटते हैं तो वो पतली चादर के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो मेटल्स होती है वो मैलिएबल होती है, यानी अगर मेटल को हथौड़ा लेके पीटा जाए तो फिर वो क्या होती हैं, पतली चादर के रूप में बन जाती हैं। ठीक, जैसे देखा होगा एल्युमिनियम की जो फॉइल आती है, एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हम लोग खाना वगैरह लपेट कर रखते हैं या लपेट कर कहीं भेजते हैं, एल्युमिनियम फॉइल आती है, तो वो देखो एल्युमिनियम फॉइल कैसे बनी, वो क्या है, उसमें यही तो क्वालिटी पाई जाती है, मैलिएबल। इसीलिए एल्युमिनियम फॉइल क्या होता है, बिल्कुल पतली लेयर बन जाती है कागज़ टाइप की। ठीक है, जिसमें हम खाना वगैरह या फूड वगैरह को क्या करते हैं, रोटियां लपेटने का काम करते हैं। ठीक है, तो मैलिएबल की क्वालिटी। मेटल्स आर डक्टिल। अब देखो, मेटल्स हमारी डक्टिल होती है, डक्टिल का मतलब होता है मेटल से बहुत ही लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप कॉपर वायर देखो कितना पतला होता है और टूटता भी नहीं आसानी से। ठीक है, तो ये डक्टिल होते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल डक्टिल होती है, तो सबसे ज़्यादा डक्टिल मेटल होती है हमारी गोल्ड। ठीक है, यानी गोल्ड से बहुत ही महीन तार बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, मेटल क्या होती है, मेटल्स हमारी गुड कंडक्टर होती है किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर हम किसी मेटल का एक साइड, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास आयरन मेटल है, इसका एक साइड अगर हम क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्म करें, तो ये हीट ट्रांसफ़र कर देगा, कुछ टाइम के बाद ये पूरी मेटल की रॉड जो हो जाएगी गर्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़, हमारी मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है हमारा मेटल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, देखो मेटल्स बेसिकली क्या होती है, हार्ड होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम की बात कर लें, लिथियम सोडियम और पोटेशियम की बात कर लेते हैं, तो ये सॉलिड नहीं होती हैं। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, पोटेशियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं, ये हमारी सॉफ्ट मेटल में आ जाती हैं, है मेटल लेकिन ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। और बेसिकली बाकी मेटल्स क्या होती है, हमारी हार्ड होती है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, क्योंकि इन मेटल्स को हम क्या करते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं। आगे नेक्स्ट फाइव नंबर पॉइंट आता है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एक्सेप्ट
मरकरी। देखो बेसिकली जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। ओके, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हाई डेंसिटीज। तो जो मेटल होती है उसकी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं और डेंसिटी की बात करते हैं। तो मेटल की ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। अगर हम सोडियम की बात कर लेते हैं और पोटेशियम की बात कर लेते हैं, हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी। सोडियम और पोटेशियम की बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, है ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं और डेंसिटी की बात करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी मेटल्स होती हैं जिनकी ये चीज़ें क्या होती हैं, लो होती हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों लो होंगी। जबकि अदर मेटल्स की हम बात करें, सारी चीज़ें क्या होती हैं, हाई होती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, मेटल्स आर सोनरस, मेटल सोनरस मतलब कैसे होती हैं, इनका मतलब होता है कि ये मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो बेल लगाने वाली घंटी होती है, तो उस पर जब क्या करते हैं, हम कोई मेटल मारते हैं उस घंटी के ऊपर, तो वहाँ से आवाज़ निकलती है। या फिर जो गिटार होता है उसमें भी देखा, मेटल के वायर लगे होते हैं लेकिन उनसे साउंड निकलता है, ठीक है, तो ये सोनरस होती हैं। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, मेटल क्या होते हैं ये चीज़ पढ़ ली। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि व्हेन मेटल हीटेड इन एयर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब मेटल को क्या किया जाता है कि हीट किया जाता है इन एयर, एयर में मेटल को हीट किया जाता है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और ये क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, ये कोई हमारे पास मेटल होगी और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, और जिंक जब ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है कि मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, अगर सोडियम मेटल क्या होगी, H2O के साथ रिएक्शन, तो आपको पता है कि सोडियम मेटल बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है और ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करती है तो ब्लास्ट भी होता है तेज़ी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब सोडियम मेटल ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, यानी यहाँ पर क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वही हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, ये अगर मेटल के वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सोडियम की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, एक्वस सॉल्यूशन होगा HCl, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट आ जाता है जब मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सोडियम ऐसे ही सोडियम मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा, यानी ये भी हमारा सॉल्ट बनना है। एल्युमिनियम अगर डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम
ट्राइसल्फेट बनता है, तो ये भी हमारा सॉल्ट बनना है। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि अगर कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा मेटल सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर हमने मेटल के बारे में जान लिया, अब हम लोग नॉन मेटल की ओर चलेंगे। नॉन मेटल क्या होते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल बेसिकली होती क्या है, अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं, द एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायन, ठीक है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वो एनायन फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो ये एनायन इसलिए बनते हैं क्योंकि इनकी लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर क्या सो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा कि दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में एनायन फॉर्म करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल्स की हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल और नॉर डक्टिल, जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं ना ही तो वो मैलिएबल होती हैं, मतलब ना ही तो उनको पीट करके चादर के फॉर्म में बना सकते हैं, और ना ही तो डक्टिल हैं। डक्टिल का मतलब होता है कि ना ही तो हम इसको मेटल की तरीके से इसको खींच करके लंबा तार बना सकते हैं। तो ये दोनों ही क्वालिटी नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है। नॉन मेटल आर ब्राइटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, ठीक है। तो जो नॉन मेटल होती हैं वो ब्राइटल होती हैं और इनको पीसेस में ब्रेक किया जा सकता है, यानी किसी नॉन मेटल के ऊपर अगर हम हैमरिंग करते हैं हथौड़े से लेकर उसको पीटते हैं, तो वो नॉन मेटल क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती है। आगे चलते हम लोग, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। देखो नॉन मेटल्स जो होती हैं ना ही तो उसमें हीट फ्लो हो सकती है और ना ही तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है, ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, डल होती हैं, ठीक है, इनमें शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, जबकि एक नॉन मेटल हमारी आ जाती है आयोडीन, वो एक्सेप्शनल है, उसमें शाइनिंग सरफेस होती है, ओके, ये समझ में आ गया होगा। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटीज, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल की बात करें, जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स होंगी उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी। तो यहाँ तक हमने नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लिया, अब हम लोग नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो हम नॉन मेटल की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलते हैं, तो नॉन मेटल बेसिकली होते क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पहला पॉइंट, नॉन मेटल्स या नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड। जो नॉन मेटल होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कार्बन के साथ, कार्बन क्या है हमारी नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्राइड बनाएगी, जैसे सल्फर के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन तो HCl। तो जब भी क्या होगा, नॉन मेटल किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्राइड बनाएगा, ठीक। आगे देखो, अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो हम NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर Na लिख लेंगे और यहाँ पर Cl, ठीक। सोडियम की लास्ट ऑर्बिट में देखो, सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन करो 281। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम के वो कितना है, 1, ओके। क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करिएगा 287। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7,
ठीक है। तो ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वैसे MgCl2 की बात कर लेते हैं, तो हम MgCl2 की बात कर लेते हैं, अगर MgCl2 और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो Mg को बीच में रखते हैं, यहाँ पर एक क्लोरीन इधर रख दिया और एक क्लोरीन यहाँ पर रख दिया, ठीक। मैग्नीशियम Mg की बात करते हैं, तो Mg की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 हो जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, एक इधर रख देते हैं एक इधर रख देते हैं, ठीक। क्लोरीन का आपको पता है कि 17 लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये हो गया हमारा MgCl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Mg डबल पॉजिटिव Cl डबल नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, मेटल और नॉन मेटल जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।